अभी इस शो के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी बिकॉज व्हेन आप देखोगे ना यू बी सो 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 हैप्पी एंड सो प्रेजेंटली सरप्राइज दिस शो इज जस्ट हमारे जिसको कहते हैं ना कि हम सब देखते हैं राजा रानी की कहानी उसको देख के खुश होते हैं और सुनते फेरी टेल थी जहाँ राजा आया रानी को खुश किया एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर बस वही है शो की बात मैं कुछ ज़्यादा बोलना ही चाहती हूँ बिकॉज इस शो में एक्चुअली बोलने को है नहीं जस्ट सो देखते रहोगे आपके फेस पर हरदम स्माइल रहेगा मतलब यू जस्ट फील हैप्पी एंड इतना इस शो से इतनी मेरे को उम्मीद है कि हम इतनी हैप्पीनेस स्प्रेड करने वाले हैं बिकॉज ऑल अबाउट लव हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी दैट्स ऑल द शो एंड इट्स ओके अभी ज़्यादा टाइम भी फेस करते हैं मैं जय एंड हिंदी को बुलाती हूँ प्लीज जय एंड हिंदी के साथ वो मतलब very very old friends also and producers also and really good fun working with them and really we are so excited with this project I'm sure Jay and Kimji also are so isliye I will put the mic to first Jay hi good evening everybody yeah we are really excited about it because Jeet Gayi is a special show for us as it's a love story post marriage wherein the husband is a beast and wife beauty classic combination so it's a lot of fun while making the show and we'd like to thank Zee Tv for always trusting in us as this is our 9th show for the network thank you kuch samay pehle humne kabir ji ka doha padha tha chandan jaisa sadhu hai sar pe sab sansar ताकि अंग लिपटा रहे मन में नहीं विकार और उसके नीचे उसका ट्रांसलेशन था विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल एक अच्छा व्यक्ति चंदन के पेड़ की तरह होता है और ये दुनिया साफ की है अगर चंदन के पेड़ के आसपास सांप अपने आप को लपेट भी लेता है फिर भी उसका जहर चंदन के पेड़ को अफेक्ट नहीं करता चंदन की खुशबू फिर भी रहती है दिस थॉट स्टेड विद अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे समय में रहते हैं जहां पर आसपास इतनी नेगेटिविटी है और उन नेगेटिविटी के बीच में अगर हम हमारी अच्छाई बरकरार रखें तो सिचुएशन पे फर्क जरूर पड़ता है थोड़ी देर लगती है बट फर्क जरूर पड़ता है वी कनेक्टेड सो मच विद दिस थॉट एंड वी थॉट के अगर हम नया कॉन्सेप्ट बनाए इसके आसपास बिकॉज अगर ये थॉट हमसे इतना कनेक्ट किया है तो आई एम श्योर ये व्यूअर्स से भी कनेक्ट करते हैं बिकॉज आफ्टर ऑल Storytelling is a business at the end of the day, जहां audience से connect करना, relate करना बहुत जरूरी है और यही सोच के हमने ये show बनाया जहां पर negativity और positivity के ये दो strong पहलू हैं, जैसे कि कबीर जी के दोहे में चंदन का पेड़ और सांप इन्हें हमें इंसानी रूप दिया द क्लासिक स्टोरी ऑफ द ब्यूटी एंड द बीस्ट हमारी प्रोटैगनिस्ट देवी चौहान कोई अफगान नारी नहीं है शी इज अ वुमन ऑफ टूडे अनफॉर्चुनेटली उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हो जाती है हु इज नॉट वेरी गुड बट वो शादी तोड़ने के बजाय उसे संभालने की कोशिश करती है संबंध बनाए रखने की कोशिश करती है इन टुडेज वर्ल्ड व्हेन मैरिजेस आर ब्रेकिंग व्हेन डिवोर्स इज सो कॉमन टू स्टिक ऑन टू अ मैरिज इज समथिंग विच वी वॉन्ट टू इज अ मैसेज वी वॉन्ट टू पुट अक्रॉस इन दिस शो बट वॉट आर द चैलेंजेस देवी चौहान विल फेस हाउ इज द जर्नी गोइंग टू बी लाइक फॉर ऑल दिस Please watch our show. Jeet Gayi to Piyaa, Morre only on Zee Tv. Jeet Gayi to Piyaa, Morre. अभी फिलहाल मेरी हालत ऐसी है कि तीन दिन में डिलीवरी है बहुत सारी लागतें पड़ रही है कुछ भी और टेंशन भी है पर आप सबका साथ है तो उम्मीद भी है इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रोल एक मैं भी मैं न्यूक्रिएटर हूँ पूरे शो की हालांकि मैंने बहुत दर्द घाव सहन किए हैं इसकी वजह से एक नेगेशन मेरे में आ गया है जो एंड नाउ आई एम यूजिंग माई सेल्फ और मेरी जो भी दुख है दर्द है और दुश्मनावट है उसका बदला लेने के लिए मैं मेरे बच्चे को यूज़ कर रही हूँ बच्चे को मैंने बचपन से ही यही बोला है कि माँ का बदला तुम्हें लेना है सो दिस इज माई कैरेक्टर एंड आगे आगे देखिए क्या क्या मैं करती हूँ और करवाती हूँ
So this is the base of my life, cancer life. And producer se aur mere co-author artist ke saath main sorry bolti hu ki unko aane mein thodi der ho gayi hai, aapko wait karna pada. And now you can have patient answer to this video. Thank you. It's a beautiful thought from the network. They are the ones who have actually conceived this beautiful dialogue. Tell me, you would like to say something? ये खुशों की कविता अगर आप खुशों पढ़ते होंगे तो वहाँ से हमने एक्चुअली लिए इंस्पिरेशन भी वहीं से है और नाम भी वहीं से लिया है. बड़ी फेमस कविता है. मैं बोल के बिल्कुल अपने आप को एम्बैरस नहीं करूँ क्योंकि मैं बहुत गलत कविता बोलती हूँ, बट आपका गूगल करके आपकी कविता में से निकाला है. ये है कि उसका सार है कविता का यही है कि मैं जैसे कि नाम सजेस्ट करता है जीत गई तो प्रिया मोरे, कि मैं जब किसी से प्यार करूँगी जो उसकी जो वो सोच रहा है कि वो मुझे जीतेगा, एक्चुअली वो मेरी जीत होगी क्योंकि मेरे को वो चाहिए प्रिया. तो मेरी वो उसको रियलाइज नहीं होगा कि उस वो सोच रहा है कि मैं हारी हूँ तो एक्चुअली मेरी जीत है. तो दैट्स हाउ ग्रेट दैट लव इज. उसको तो आपको पता है रोमांस के मामले में ही इज गॉड. तो वहीं से हम इंस्पायर हुए इस कविता को पढ़ने को. ये शो में इतनी ज़्यादा ना As I said, it's a simple show, but it's still got so much depth and it's got so much of love and emotion in it. We didn't want to just call it like any other love story, you know. This show ka aur musical show, not ki songs hai, but musical in the sense the way the characters have been written, the way the story has been written. It's a very musical and a very jisko kehte na ki darya ke paani jaisa behta hua iska feel. To usme humko kuch aisa hi chahiye tha type. We just didn't want to give it. Uske character match mein bahut discussion kar liye. हम इसका एक बहुत सुंदर सॉन्ग भी बना रहे हैं जो कि आप शो में देखेंगे जब टेलीकास्ट होगा. ब्यूटीफुल टाइटल ट्रैक भी क्रिएटेड ऑन द सेम सॉन्ग कमिंग अगेंस्ट इंस्पायर्ड बाय द शो एंड इट ऑल कम्स फ्रॉम देयर. एंड एज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी एज जय जस्ट सेड कि एक होता है टिपिकल म्यूजिक रूम कॉन्सेप्ट आल्सो जहां पर द मैन इज अ बैड गाय एंड गर्ल एंड हाउ शी ट्रांसफॉर्म्स हिम एंड हाउ बिकॉज ऑफ अ लव ही गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड. सो दैट्स व्हाट दिस शो इज आल्सो इन अ सर्टेन वे अबाउट. एंड कैसे एक लव कैन कॉन्कर एवरीथिंग. I'm from Rajasthan, so I'm from Sirohi district, and my homework has begun since my childhood. And honestly, when we conceive a show, we go into the major research. The show is based in Sujangarh, and Sujangarh is a place which is not a gaon, which is not a big city like Jaipur, but it is an upcoming town. And I belong to such small town. That's why I said I'll answer on his behalf because he's from Gujarat and I'm from Rajasthan. Because we really want the audience के बहुत अलर्ट रखे, इसको देखे, एंजॉय करे पूरी फैमिली के साथ. 7 o'clock इज द राइट टाइम आई फील फॉर दिस काइंड ऑफ शो, जो आप एक पूरे परिवार के साथ बैठ के देखे, एंजॉय करे. एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द टाइम स्लॉट एंड वी डेफिनेटली विल. थैंक यू. हेलो, आप किस सच से ना ये मतलब इस तरह के सीरियल्स ना बहुत आ रहे हैं. लाइक मेरे दादा पिया की इसमें भी कुछ वो बच्चों वाला थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो अलग क्या है सीरियल में? वेरी गुड क्वेश्चन. इन एवरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज सो डिफरेंट. दिस सीरियल इज थॉट इट इज कंसीव्ड विद अ वेरी सिंपल थॉट. एक ऐसा थॉट जो हर हिंदुस्तानी औरत बिलीव करती है कि माय हस्बैंड इज नॉट सो गुड बट आई विल मेक अ हस्बैंड आउट ऑफ इट. इट इज इनफ फॉर अ सीरियल टू रन. वी डोंट नीड अ थॉट वेयर शी गो टू द मून एंड शी ट्राई टू डू समथिंग. आई वॉन्ट माई व्यूअर हु इज अ हाउसमेड, हु इज अ वॉचमैन्स वाइफ, हु इज वॉशिंग वेसल्स टू रिलेट टू माई स्टोरी. एंड फॉर हर अ वर्ल्ड इज हर हस्बैंड, हर किचन वो उसकी दुनिया है और उसी दुनिया के आसपास मैं कहानी बनाना चाहती हूँ. एंड दैट इज डिफरेंट फॉर मी. उसी को मैं किस तरह से नए तरीके से पेश करूँगी, दैट इज डिफरेंट फॉर मी. Hello, hello. Yeah, Kiran, why did you need a new face for the heroine's character, and how difficult was it to finalize the role? So, it is always best to get a new face because she will be always known as my character. If I get a face which is repeated, she will always know कि ये तो वो सीरियल में बनाना कैरेक्टर किया था, ये अब ये कर रही है. We have no baggage. She will be known as Devi Chauhan.
She'd be on the streets, she'd be known as Baby Chola. So for me, finding a face is always a struggle. For my previous shows also, we had like 400 auditions. For this, we had about 800 odd auditions. And I think it's just a matter of great destiny and luck that you get such a pretty face like Yesha. I'm sorry, but she's on her way and you'll see how pretty she is. Hi guys, this is Aditi Gupta and you're watching me on GlitzVision. Please do follow this channel.